दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आने वाले समय में जो अगले 2-3 दिन है उसमें जो बोनस देने वाले शेयर है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आने वाले जो बोनस शेयर है उसके बारे में बताइए। तो आज से हमने वीडियो का जो सीरीज स्टार्ट किया है इसमें लगातार जो भी आने वाले बोनस शेयर होंगे उसके बारे में न्यूज आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहला जो शेयर है जो बोनस देने वाली है वह है, देख सकते हैं, टियान आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स लिमिटेड। जो तियान आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स लिमिटेड है ये आपको बोनस दे रही है। बोनस का रेशियो भी बताएंगे, एक्स डेट भी बताएंगे, एक्स बोनस डेट कब है। एक शेयर और था जिसका एक्स बोनस डेट कल ही है, तो आज आप उसे बाय किए होंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। अभी इसका करेंट प्राइस देख सकते हैं, ये है 42.70 रुपीज़ और आज ये डाउन है 2.20 रुपीज़ के साथ। लोअर सर्किट लग चुका है और 5 डेज में देखिएगा लगातार लोअर सर्किट है। 6 मंथ में देखिएगा तो ये काफ़ी इसमें तेज मोमेंटम देखने मिला था कई महीनों से, और ये लगभग 174% का रिटर्न दे चुका था। जो रिटेल इन्वेस्टर, मतलब जो छोटे शेयर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या कहे जो भी लोग माइक्रो कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और ये अच्छी माइक्रो कंपनी है क्योंकि डेब्ट फ्री कंपनी है। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को अभी आप दिखाते हैं। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लगातार शेयर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में रहता है। उसके बाद ये कंपनी डेब्ट फ्री है, इसलिए ये कंपनी का जो प्राइस है आपको एक स्मॉल कैप कंपनी का जो प्राइस होता है वो प्राइस दिख रहा है, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है। तो ये देखिए तियान आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स जो इसका बैलेंस शीट है, यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो देखिए रिजर्व कितना है कंपनी के पास, 4 करोड़ 61 लाख, 4 करोड़ 61 लाख रिजर्व है कंपनी के पास। छोटी सी कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखते हैं डेब्ट बिल्कुल कंपनी के पास 0 है, तो ये जो रिजर्व है कंपनी इसी को यूज करना चाहती है, तो इसलिए आपको बोनस दे रही है, क्योंकि कंपनियाँ बोनस तभी लेके आती है जब वो रिजर्व को यूज करना चाहती है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। उसके बाद नीचे चलते हैं, बुक वैल्यू कंपनी का देख सकते हैं लगातार बिल्डअप हुआ है, बुक वैल्यू लगातार बिल्डअप हुआ है, मतलब कंपनी ग्रोथ के फेज में है, मतलब ग्रो कर रही है कंपनी। उसके बाद हम आपको इसका वैल्यूएशन दिखा देते हैं। देखिए मार्केट कैप मात्र 22 करोड़ है, मतलब एक माइक्रो कंपनी है, तो वैसे रिटेल इन्वेस्टर जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो इससे दूर रहें, और जिनको जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है और जो चाहते हैं कि हम माइक्रो कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे जो पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैनी स्टॉक से ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये डेब्ट फ्री कंपनी है, लगातार ग्रोइंग फेज में है, और इसका देखते हैं डिविडेंड भी ये कंपनी पे करती है इतना 60 पैसा, तो 60 पैसे का डिविडेंड भी पे करती है। पी रेशियो काफ़ी हाई है कंपनी के पास, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है, 1.62 रुपये अर्निंग पर शेयर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना चाहिए। अगर आप सारी चीज़ें जो एक शेयर का क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए कभी भी शेयर को बाय करने से पहले, हमने बताया था कि जो EPS आपको देखना चाहिए, उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो देखना चाहिए, मतलब मिनिमम 10 चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए उसके बारे में। डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिए 0 है, तो बहुत ही बेहतरीन है कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो। उसके बाद आपको और भी है ROE देखना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल या कहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे रेशियो आपको देखने चाहिए। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। अब हम देखते हैं इसका एक्स बोनस डेट कब है। तो यहाँ पर बोनस पे आइए, यहाँ पर देखिए 1:4 का, मतलब 4 शेयर पर 1 शेयर फ्री देगा ये कंपनी आपको, 4 शेयर पर 1 शेयर फ्री देगा ये कंपनी, और जो रिजर्व है उसे यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए। तो बोनस जब भी इश्यू करता है तो कंपनी अपना जो रिजर्व होती है वो क्या करती है, यूज करती है, और उसके बदले शेयर होल्डर को शेयर देती है। तो एक वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कंपनी आपको बोनस फ्री में कैसे दे देती है, मतलब फ्री में शेयर आपको कैसे दे देती है, तो इस बारे में हम एक वीडियो में बात करेंगे अलग से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी जो आपको बोनस दे रही है, वो है देखते हैं कीर्ति नॉलेज एंड स्किल लिमिटेड। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी का युग ऐसे भी आ रहा है तो आपको अच्छी अच्छी कंपनियां जरूर ढूंढते रहना चाहिए। इसका देख सकते हैं जो मार्केट कैप है मात्र 25 करोड़ है, और ये कंपनियां डिविडेंड आपको पे नहीं करती है। उसके साथ इसका बैलेंस शीट देख लीजिए, ये भी कंपनियां डेब्ट फ्री है, ये भी कंपनियां डेब्ट फ्री है, और इसका भी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन बैलेंस शीट है। उसके बाद रिजर्व इस कंपनी के पास भी 4 करोड़ 15 लाख है, और इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है मात्र 2 करोड़ 89 लाख, 2 करोड़ 89 लाख। उसके बाद लोन कंपनी के पास डेब्ट देख सकते हैं बिल्कुल 0 है, कंपनी के पास कोई डेब्ट नहीं है।
उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 40 लाख का कैश और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कंपनी का जो बुक वैल्यू लगातार अप डाउन होते रहा है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ज़रूर पूरे रिसर्च कर लेनी चाहिए। ऐसी कंपनियाँ आपको रिटर्न देगी तो बहुत ही मालामाल कर देगी, और हो सकता है ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते तो आपका कैपिटल भी पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो आप पूरी तरह से रिसर्च कर लें उसके बाद इन्वेस्ट करें, और जो अपना कैपिटल है उसका 10% हिस्सा ही ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करें, और ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनियों में करें, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर जा करके माइक्रो कैप में 10%। तो सारा स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए, और अगले एक वीडियो में हम सारे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना परसेंट कैपिटल किस कंपनी में लगाना चाहिए, कितना परसेंट रिस्क किस कंपनी के ऊपर आपको लेनी चाहिए। उसके बाद आप जो है इसका जो सारे रेशियो है वो देख सकते हैं, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया था सारे रेशियो जब आप देखते हैं तो आपको कंपनी का करेक्ट वैल्यूएशन पता चलेगा। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 1.24 रुपीज़ है, तो ये छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेप्ट है ही नहीं, तो डेप्ट और इक्विटी रेशियो देख सकते हैं जीरो है। उसके बाद और आपको जो भी देखना है तो यहाँ से आप आकर के सारे रेशियो यहाँ से देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अभी कीर्ति नॉलेज इसका जो करेंट प्राइस है देखते हैं 81 रुपीज़, काफ़ी महंगा शेयर है क्योंकि डेप्ट फ्री शेयर है, और जो आईटी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो ऐसे भी आपको महंगे प्राइस पर मिलते हैं, और ये ऐसी कंपनियां लगातार आपको बोनस भी देती है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एक जो अच्छे कंपनियां होती हैं, जो बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनियां होती है, उस देख सकते हैं मात्र माइक्रो कैप कंपनियां हैं, छोटी माइक्रो कैप कंपनियां हैं, लेकिन प्राइस देखिएगा तो स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप है अभी तो लार्ज कैप कंपनियों का भी प्राइस इतने रुपीज नहीं है, 81 रुपीज़। लार्ज कैप कंपनियां, कई सारी लार्ज कैप कंपनियां जो इससे सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका देखते हैं क्योंकि ये कंपनियां डेप्ट फ्री है और लगातार ग्रो कर रही है, तो ऐसे ग्रोथ वाली कंपनियों आप अगर पिक कर लेते हैं एक दो कंपनियां भी और अपना 10% कैपिटल भी लगा देते हैं तो निश्चित है आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा। तो हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था आपको बोनस शेयर के बारे में बताना, क्योंकि आप बार बार पूछते हैं अपकमिंग बोनस शेयर के बताइए। तो ये सिर्फ न्यूज था अपकमिंग बोनस शेयर के लिए, इन्वेस्ट करना ना करना ये फाइनल डिसीजन आपके लिए है, आपका कैपिटल है, आपको खुद लगाना है, आपको अपने डिसीजन का रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर खुद लेना है। तो यहां पर आप बोनस का एक्स डेट देख लेते हैं, तो 1 जुलाई एक्स बोनस डेट है, और ये कंपनियां काफी बेहतरीन रेशियो में बोनस दे रही है। देखते हैं 10 शेयर पर 21 शेयर, इसीलिए इसके प्राइस में आपको इतना तेज मूवमेंटम देखने मिल रहा है, क्योंकि ये तो 2:1 के बोनस से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि 10 शेयर पर 20 शेयर देता तो ये 2:1 होता, ये तो 10 शेयर पर 21 शेयर आपको दे रहा है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये कंपनियां है, और बिल्कुल डेप्ट फ्री है और बिल्कुल ग्रोइंग फेज पे है, और 10 शेयर पे 21 शेयर बिल्कुल फ्री दे रहा है। तो ऐसे बेहतरीन कंपनियों में आप इन्वेस्ट जरूर करें, लेकिन अभी नहीं करें, क्योंकि अभी बोनस के चक्कर में आपको हायर प्राइस पर शेयर मिल रहा है। जैसे ये बोनस देगा तो इसका प्राइस जो है वो स्प्लिट होगा, तो जैसे इसका प्राइस स्प्लिट होगा तो काफ़ी ये सस्ते वैल्यूएशन पर ये शेयर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ये शेयर ले सकते हैं। तो जो एक्स डेट है 1 जुलाई, उसके बाद जो है मतलब एक जुलाई के पर ये प्राइस काफ़ी मतलब कम हो जाएगा, तो आप उस शेयर प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं, मतलब उस प्राइस पे शेयर को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या उसके बाद करेक्शन का वेट कर सकते हैं। तो वैसे बेहतरीन कंपनियां जो कि काफ़ी अच्छा ग्रो करने के फेज़ में है, काफ़ी अच्छा मतलब इन्वेस्टर को रिटर्न देती है, तो वैसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे सारे जो अपकमिंग बोनस होंगे हम उसके वीडियो उसके न्यूज़ लेकर के आएंगे आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि आने वाले समय में कौन कौन सी कंपनियां बोनस लेके आ रही है, और भी आगे जैसे जैसे आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।